दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे हांगकांग सिक्सेस सीरीज का, जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस ओमान का। 6 प्लेयर का गेम है, 6 मैच का गेम है, ये तो आप सभी को पता होगा। अगर यदि हमारे साथ जुड़े हो तो इनका रूल कुछ अलग है, अकेला प्लेयर भी बल्लेबाजी कर सकता है, एक टीम पे 11 नहीं बल्कि 6 होगा। तो मेरे भाई ऐसे मैच में क्या स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पिच देखा जाए तो फुल फ्रेंडली जो है बल्लेबाज के अनुकूल है। कोई बढ़िया गेंदबाज रहे या फिर बल्लेबाज फालतू में विकेट दे दे वो अलग की बात है। तो यानी कुल मिलाकर बल्लेबाज ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहेगा और ऑलराउंडर तो लगभग सब है, विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए तो सबको ओवर डालना होगा। लेकिन ये अनुमान हम लोगों को लगाना होगा कौन सा एक ऐसा गेंदबाज होगा जो 2 ओवर डालेगा। तमाम चीज़ें देखेंगे, रूल के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेल रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावे जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम पर ही देता हूँ। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो था वहाँ पर लिंक होगा ब्लू कलर में, यहाँ पर देख सकते हो सौरभ सामाजिक 84, इसी पर क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल, 54,000 के लमसम होगा, वही हमारा ओरिजिनल चैनल है, उसी पे आपको जुड़ जाना है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ दिया जाता है। लगातार हम लोगों को भगवान की कृपा से देखा जाए अदर मैच में मिस जीएल हो रहा था, बिग बेस रिसेंटली जो दिया जा रहा था, लेकिन अब तो भगवान से हम लोग यही दुआ करेंगे कि जीएल विन हो, कुछ अच्छा दिन आए और हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करें। 12 टीम है, 29 मैच टोटल खेला जाएगा, 6 ओवर का गेम है, 6 प्लेयर का गेम है और यह मुकाबला 3 दिन तक ही चलेगा। तो मेरे भाई यहाँ से देखा जाए एक पारी में 6 ओवर होगा, विकेट कीपर को छोड़कर सारे गेंदबाजी करेगा और एक बॉलर 2 ओवर करेगा। 5 विकेट गिर जाने के बाद अकेला बल्लेबाजी करेगा, जैसे अभी अभी इंग्लैंड के खिलाफ समित पटेल अकेला खेल रहा था, उनके लिए एक रनअप के रूप में था। 50 रन करने के बाद बल्लेबाज ऑटोमेटिक रिटायर आउट हो जाएगा, 50 रन से ज़्यादा मारने का इस मुकाबले में नहीं है। फाइनल मैच में देखा जाए तो 8 गेंद का 1 ओवर खेला जाएगा, यहाँ तक सही है। तो मेरे भाई चलिए यहाँ से देखा जाए एल मधुशंका की बात की जाए श्रीलंका की तरफ से, 87 मैच में 892 रन है 20 के औसत से और 71 विकेटें हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे 104, 2 विकेट, 51 एक विकेट, क्या गजब का प्लेयर भाई। तो कैप्टन वीसी का बढ़िया चॉइस होना चाहिए अगर यदि टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करता है तो। की बात की जाए 64 मैच में 44 विकेट है, 712 रन, 14 का ही एवरेज है, रिसेंट फॉर्म इनका भी कमाल का है। दोनों चीज करेगा तो इंपोर्टेंट रहना चाहिए और ऐसे मुकाबले में टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करेगा तभी इंपोर्टेंट सबको मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा बल्लेबाज को अनुकूल ज्यादा मिल रहा है और अच्छा खासा मदद भी मिल रहा है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। लहिरू समरकोन की बात की जाए 59 मैच में 48 विकेट है, 672 रन है और 16 का औसत है। ये भी दोनों चीज़ करता है ठीक ठाक रहेगा, वन डाउन आता है तो फिर टीम पे होना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी तो लगभग सब करेगा विकेट कीपर को छोड़कर। टी दबारे की बात की जाइए, अक्सर लेजेंड मैच भी खेलते हैं, वहाँ पर भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ज़्यादा खास तो नहीं। टॉप ऑर्डर पर खेलेगा तो हम लोग अपने टीम पर रखने का ज़रूर प्रयास करेंगे, वरना हम लोग अपनी टीम से इनको हटा भी सकते हैं। बाकी यहाँ से देखा जाए, अगला देखा जाए एस विराकोडी की बात की जाए, 17 का एवरेज इनका है मात्र है, अगर यदि टॉप ऑर्डर पे खेलता है तो बाकी सही है, विकेट कीपिंग भी करेगा तो टीम पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। एन विमुक्ति की बात की, ये रिसेंटली अच्छा मैच खेल रहा था, गेंदबाज बहुत बढ़िया है, बल्लेबाज उतना खास है ही नहीं। इनके लिए मेरे भाई टी रत्यांके की बात की, गेंदबाज तो बहुत बढ़िया है लेकिन वही देखने वाली बात होगी टॉप ऑर्डर को भी लेना है और फिर गेंदबाज कर, दोनों टीमों को टॉप ऑर्डर पे लेना है। यहाँ पर देखो तो बल्लेबाजी कोई भी करेगा, सिर्फ बल्ले पे ले लेना चाहिए, बल्ले पे जो लेगा तो पार जाएगा, किस्मत ही खराब रहे तो वो अलग की बात है। जैसे एलेक्स डेविस जो कि कितना कमाल का प्लेयर भाई, वो पहला ही गेंद पे आउट हो गया, उनको था पता कि ऐसा पीछे छक्के चौके जड़ देंगे लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया, बाउंड्री पर लपके गए, तो थोड़ा सा किस्मत का भी साथ चाहिए। खासकर T10 बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये भाई T10 नहीं है, 6 ओवर का, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक सीरीज माना जा रहा है। इनके अलावा देखा जाए ओमान की तरफ से जेड इस्लाम की बात की जाए, टॉप ऑर्डर पर खेलेगा आँख बंद करके पिक करने की और हम लोग सोचेंगे गेंदबाजी वगैरह में ज़्यादा नहीं। बाकी यहाँ से भी शुक्ला की बात की जाए, इनका रिसेंट फॉर्म बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए और रिसेंटली ये ठीक ठाक खेल रहा था, एक T10 के D10 हो रहा था, वहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया काम करके भी दे रहा था, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो कैप्टन है लेकिन फिर भी कि ये भी ठीक ठाक है, टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करता, करियर रिकॉर्ड ज़्यादा खास तो नहीं लेकिन ऐसे मैच में भाई 25-30 भी कर गया तो आपकी टीम को डुबो सकता है या फिर आपकी टीम को आगे भी ले जा सकता है, तो इन सबको हम लोगों को देखना पड़ेगा।
इन क्लब मेरे भाई जी आर की बात की जाए तो गेंदबाजी से ज़्यादा विकल्प देते हैं, ज़्यादा खास च्वाइस रहेगा नहीं। ए मलिक टॉप ऑर्डर पे नहीं खेलेगा, ये भी खास च्वाइस नहीं रहना चाहिए। हसनैन अलीसा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें लगता है ये दो ओवर डालेगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट। बाकी बल्लेबाजी तो ये भी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एसएल बलूसी की बात की जाए, ये हमें लगता है खेलेगा ही नहीं, इतना होना चाहिए। तो मेरे भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जुड़े हो बहुत अच्छी बात है। फाइनल टीम वगैरह हर अपडेट चीज़ों को समझाया जाए, क्योंकि ये न्यू लीग है, यहाँ पर समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सब चीज़ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसमें अदर टीम की तरह यहाँ पर नहीं बना सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा चीज़ों को समझने में। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या इस मैच के लिए हम लोगों का होना चाहिए। तो मेरे भाई चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होता है हम लोगों का। कुल मिलाकर देखा जाए तो विकेट कीपरिंग सेक्शन में यहाँ से एस गौड़ तो हट चुका है, यहाँ से भी शुक्ला होना चाहिए। एस विराकोटी ओपन करता है तो फिर हम लोग अपने टीम पे ले सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से देखा जाए जो टॉप ऑर्डर पे टी दबारे टॉप ऑर्डर पे करना चाहिए, अशिफ खान करना चाहिए। एल मधुशंका देखो गेंदबाज बढ़िया है तो इनको यहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं। बाकी यहाँ से देखा जाए टॉप ऑर्डर यहाँ से ये डेथ का गेंदबाज है, अगर यदि करता है तो यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी टॉप ऑर्डर पे यहाँ से इस विराकोटी ओपन आने की संभावना रहेगा तो इनको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कैप्टन वीसी के लिए देखा जाए मेरे भाई तो कैप्टन वीसी यहाँ से हम लोग टी दबारे और भी शुक्ला दोनों ओपनर को दे रहा हूँ। हालांकि मैच थोड़ा रिस्की है, कैसा इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है तमाम चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, फिर आपको करना है, क्योंकि ये सीरीज खेलना नहीं चाहिए। फिर भी आप लोगों की वजह से मैं खेल रहा हूँ तो थोड़ा सा इस पर देख सुनकर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के लिए इंटरनेशनल टेस्ट मुकाबला ठीक ठाक जा रहा है तो क्यों ना हम लोग उस पर फोकस किया जाए, फालतू में इधर उधर इन्वेस्ट करके लॉस कराया जाए। तो मेरे भाई चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए। दीपावली का शुभ अवसर था, लक्ष्मी पूजा काली पूजा, तो इन भगवान से हम लोग यही दुआ करेंगे कि हम लोगों का दिन काफ़ी अच्छा जाए, सारे भाई भर भर के पैसा कमाए, इसी उम्मीद के साथ चलते रहते हैं।